हाँ करो। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चैट बॉक्स दिखाएं एक बार टेक्निकल टीम, और एक बार पुनः जो जुड़े हुए हैं भाई बहन, जो भी विद्यार्थी हैं, एक बार ओइस के बारे में पुनः चेक करके बताएं। कोई टेक्निकल एरर के कारण ओइस नहीं आ पा रही थी, एक बार लिख के बताएं ओइस ठीक आ रही है क्या। हाँ देखिए, हाँ सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। ओइस ठीक है, टेक्निकल टीम ने चेक किया होगा। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। तो मैं आप एक एक प्रश्न के माध्यम से जो अपन बात करने जा रहे हैं अब आपके बीच में, तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पेपर में जो आप आपने सीधे निशान से लगाएंगे तो उससे आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो देखिए पहला जो प्रश्न है जिसमें दे रखा है, हैडली सेल का निर्माण वायु दाब की किन पेटियों के मध्य में हुआ है? ये वायु दाब पेटियों की बात कर रहा है। उपोष्ण उच्च वायु दाब और विषुवत रेखीय जो निम्न वायु दाब पेटी के बीच में, तो इसमें जो आपके सामने आंसर एक नंबर वाला है, ये एक नंबर जो इसमें लिखा हुआ है आपके सामने पीडीएफ में, जो एक नंबर वाला आंसर बनेगा। दूसरा है मानव विकास सूचकांक। देखो ऐसे प्रश्न है जो पढ़ाई तो थे लेकिन मानव विकास सूचकांक की अपने रैंक देखा, 1 2 3 4 5, इसने 10 तक की पूछ ली, तो ऐसे प्रश्न बहुत गहराई लिए हुए हैं। आपको दिखने में लग रहा है कि प्रश्न सीधा है, और जिसमें आपको दिख रहा है कि फिनलैंड जो देश है, 4 नंबर वाला जो है, ये अपन के शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है। इसी में 3 नंबर है, कौन सी एक वायु अवसादी चट्टान है जो लोयस है, अवसादी जो वायु वायु के द्वारा जो उड़ाकर ले जाकर जो जमाव किया जाता है, जो लोयस के रूप में जाने जाती है। 4 नंबर पे जो प्रश्न है आपके सामने, हृदय स्थल रिमलैंड, मैं केवल संक्षिप्त रूप में कम समय में अपने को आंसर पता चले उसी दृष्टि से बात कर रहे हैं, और जब बाद में जब इसका अच्छे ढंग से इवोल्यूशन करेंगे तो अपन आगे देखेंगे। रिमलैंड और जो अपन कहें हार्टलैंड, दोनों से संबंधित इसका जो आपके सामने है ये जो सी आंसर, 3 नंबर वाला जो आंसर है, तीन नंबर वाला जो इसमें मार्कर
काम नहीं कर रहा विक्रम जी, इसमें देखें एक बार। चलिए इसमें आपके सामने दिख भी रहा है, मैं इसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। चार नंबर जो हार्टलैंड रिमलैंड वाला है, जिसमें स्थल व समुद्री शक्तियों के बीच संघर्ष से संबंधित आंसर है, जो तीन नंबर है। पांच नंबर प्रश्न है द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, द्वार दून और द्वार के जो क्षेत्र है वो आपके सामने हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, ये दो नंबर वाला इसका आंसर सही है। इसी में जब आप देखेंगे चित्र रेखापुंज मॉडल जिसको राष्ट्र कहा था, जो आपको ध्यान आए जीआईएस के अंदर जो आंकड़े थे स्थानिक आंकड़े वो राष्ट्र और वेक्टर के रूप में थे, जिसमें निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। और आपको ध्यान आए तो मैंने कहा था कि जहां अपना मानचित्र कला और जो सांख्यिकी वाला पोर्शन है ये 10+2 स्तर के पाठ में था, आपको ध्यान आए पहले, और ये कहा था कि 11वीं-12वीं की पुस्तक अवश्य पढ़े, ये पुस्तक से एज इट इज लाइन है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। यदि किसी ने पुस्तक पढ़ी है तो आसानी से आंसर बनाया होगा। और दो नंबर वाला है परिपथ जाल विश्लेषण में दक्ष, ये सही नहीं है, तो दो नंबर वाला इसके अंदर आंसर बन रहा है। नेक्स्ट देखिए सात नंबर, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहर की कुल लंबाई, ये प्रश्न पढ़ा नहीं और बिल्कुल करंट बेस्ड प्रश्न आया है, तो इसकी अभी जानकारी मेरे को भी सटीकता से नहीं है, तो ये प्रश्न आगे आपको ही चेक करना है, आगे जैसे जानकारी मिलेगी तो आपके बीच में रखेंगे। तो ये प्रश्न का आंसर अभी स्पष्ट नहीं है। कोपेल जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW जिसको सवाना का नाम देते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ प्रतापगढ़, जो तीन नंबर वाला आंसर है, तीन नंबर वाला। फिर इसी में देखिए आगे प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद वो किस रूप में आंसर मानता है ये पेपर सेटर पर भी निर्भर करेगा। इसमें इसमें स्थिति यह कि प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्लेन टेबल की स्थिति का निर्धारण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिसेक्शन कहते हैं, रिसेक्शन स्थिति निर्धारण। पहली बात तो एक तो स्थिति निर्धारण, और स्थिति निर्धारण में कौन कौन सी प्रयोग की जाती है, अब उसके आधार पर इसमें विकल्प नहीं है, तो यदि रिसेक्शन को काउंट करता तो स्थिति निर्धारण एक बनता। उसके बाद जैसे विकिरण और चक्रमण है तो बी और सी आंसर बन रहा है इसमें, क्योंकि ए से जुड़ते हुए तीन का विकल्प नहीं है, तो संभवतः शायद इसमें आंसर बी और सी के अनुसार आंसर बनना चाहिए। फिर देखिए इसमें आगे दे रखा है तंत्र विश्लेषण के विकास से संबद्ध नहीं है, ये हार्वे डी, संभवतः हार्वे डी इससे संबंधित शायद जो अपन के तंत्र विश्लेषण से संबद्ध नहीं है, तो शायद इसमें यह आंसर संभावित है, ये भी कंफर्म रूप में नहीं है। फिर देखिए उनसे कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी जा हैंगिंग गार्डन, जिसको लिखवाया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन, बेबीलोन के झूलते बगीचे जिसको नाम लिखा था, इसमें चार नंबर आंसर है। दांतेदार लकीरें स्ट्रेटेड कटक जो अपन कहें तलवार की तरह खड़े रूप में कटक के रूप में है, दांतेदार जो अपन के हिमानी से बनते हैं, जो चार नंबर का ऑप्शन है। फिर देखिए इसमें मनोविज्ञान का पार्ट भी साथ साथ में ही है, तो आपको इसमें आंसर जो ध्यान रखना है और उसी से मिलान करते हुए चलना है। पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जाती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, एक नंबर वाला इसका आंसर बनेगा। फिर लिखा है क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत, ये ध्यान दें जो विद्यार्थियों ने 2018 से पहले 2015 का पेपर था उसमें भी ये प्रश्न इस रूप में आया था, इससे जुड़ा हुआ, उसमें ये पूछा था क्षेत्र एक रूपता का सिद्धांत किन तीन विद्वानों के द्वारा जो संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब की बार पूछ लिया इसके क्रम क्या है, राजनीतिक विचार है, निर्णय है, गति क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर चार नंबर पे आपके सामने दिया हुआ है। फिर है भारतीय मानसून के संबंध में लिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। भारतीय मानसून एक गृहीय पवन है, गृहीय का मतलब सनातनी प्रचलित पवन,
और प्रचलित पावने तीन ही हैं, जिसकी अपन बात करते हैं, व्यापारिक, पछुआ और धुरिये। तो गृह पवन का संबंध भारतीय मानसून से नहीं है, तो ये अपन के गृह पवन है भारतीय मानसून, ये सही नहीं है। ऋतु अनुसार पवनों की दिशा बदलती है, जिसको मानसूनी पवने कहते हैं, जो सामयिक पवने हैं। तो पहले वाला ही अपन कहें सही नहीं है। कौन सा विद्वान माना भूगोल के भूवादी विचारधारा से, ये भी एक प्रश्न पेपर सेटर पे निर्भर करेगा। भूवादी जो विचारधारा थी, सही मायने में पृथ्वी से संबंधित, भूमानी पृथ्वी से संबंधित जो विचारधारा थी, वो सही मायने में अपन कहीं पार्थिव रूप के अंदर जो शुरुआत हुई थी, वो हम्बोल्ट और रिटर से थी। लेकिन जब हम्बोल्ट और रिटर को देखते हैं, तो कहीं विकल्प में बनता नहीं है, तो चारों बनते हैं। जैसे ए और सी कोई विकल्प नहीं है। अब इसके अलावा यदि कोई विकल्प बनता है, तो फिर हम्बोल्ट रिटर है और पृथ्वी की सत्ता को मानने में जो अपन के निश्चयवाद का जो विचारधारा से संबंधित है, जिसमें रिटर और जो अपन के रेडजेल और सैंपल भी हैं, तो संभवतः हो सकता है इसमें चारों, एक दो तीन चार, ए बी सी डी, जो अपना तीन नंबर वाला आंसर बनने की संभावना है इसमें। फिर इसमें दे रखा है कि दार्शनिक उपागम, इनको लास्ट में एक एक लाइन में लिखवाया था, दार्शनिक उपागम है और उसकी सूची सम्मिलित करवाई हुई है। व्यवहारवाद जिसको कहा है विलियम किर्क के द्वारा, मात्रात्मक क्रांति बर्टन के द्वारा, अतिवाद जो पीट के द्वारा, प्रसंभाववाद ओएच के स्पेट के द्वारा, तो इसमें दो नंबर वाला आंसर आपके सामने बन रहा है। फिर है मिश्रित कृषि, फिर आप ध्यान दें, ये मिश्रित कृषि का प्रश्न कक्षा 12 की मानव भूगोल की पुस्तक से हूबहू लाइन उठाई है, यदि उसकी लाइनों को पढ़ा होगा तो भी आसानी से आंसर इसका बन रहा है। मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है, बिल्कुल सही है, यूरोप वाले जो देश हैं, विकसित देशों के अंदर कृषि भूमि का आकार मध्यम होता है, ये भी बात सही है। चारा फसल गेहूं जो ओट्स राई इत्यादि उगाई जाती है, ये भी सही है। और कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश, ये अपन के विकल्प नहीं है, तो इसमें ए बी सी तीन आंसर है और ए बी सी यानी दो नंबर वाला विकल्प सही बनेगा इसमें। अब ये जब आप इस तरीके के जब पूरे विकल्पों का अच्छे ढंग से जब मूल्यांकन करोगे, तो आपके प्रश्नों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, आपने अपने अनुसार किया है उनमें अब चेंज आएगा आपके सामने। और जब अभी आप पुस्तकों से मिलान करेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट आएगी कि ये आंसर वास्तव में इसी रूप में बना है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, किताब पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ में रहे हैं, क्योंकि किताबों में ही मूल रूप से कंसेप्चुअल पार्ट है, जो क्लास नोट्स में सीधे सीधे थे उसके साथ किताबों को भी जिसने पढ़ा, मैंने कहा कि हूबहू लाइन नहीं आती है, जुड़ा हुआ पार्ट आता है आगे पीछे। देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जो एक नंबर वाला आंसर बनेगा, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी इसका सही आंसर है। क्षेत्र एक रूपता फिर आ गया, क्षेत्र एक रूपता सिद्धांत के पहले उसमें पूछा है कि उनका क्रम सही क्या है, राजनीतिक विचार है, निर्णय है, गति क्षेत्र है और राजनीतिक क्षेत्र है, वो जैसे प्रश्न था, इसमें पूछा कि किसने दिया है, एस वी जॉन्स ने दिया है, एस वी जॉन्स, जो आपके सामने दो नंबर वाला विकल्प सही है। फिर देखिए उनसे कौन सा निरूपक बिन कथन मापने का युग्म सही सुमेलित है, ऐसे बहुत उदाहरण एग्जाम्पल करवाए थे, तो आपके सामने जैसे ये दो नंबर वाला एक मील 63,360 प्लस जैसे पांच फरलांग, एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं, उनको जोड़ें प्लस 50 गज, एक गज में 36 इंच होते हैं, इसको जोड़ें तो आपके सामने यही आ रहा आएगी, तो ये दो नंबर वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में किस प्रकार के उद्योगों में कुल कर्मचारियों में सफेद कोलर, व्हाइट कोलर जो अपन कहें, कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है, और वो है फार्मास्यूटिकल उद्योग में, जो दवाइयों से संबंधित है, रिसर्च अनुसंधान से संबंधित बहुत से कार्य होते हैं, दवाई निर्माण के कार्य हैं, तो ये रिसर्च अनुसंधान वाला पार्ट जो चतुर्थक व्यवसाय से जुड़े हुए पार्ट के रूप में होते हैं, तो वो सफेद कोलर वाले इससे संबंधित है। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग गहराई लिए हुए था, किसी विद्यार्थियों ने कहा कि साहब इसका आंसर जो मेरे पास आया तो उसमें डिफरेंस डिफरेंस बातें आ रही थी, इसने कहा है शुष्क वन। आपको ध्यान हो तो जिसमें
दिया है इसमें प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता से तात्पर्य जिसमें अपन कहें वर्षा वन, फिर उसके बाद लिखा वन, फिर उसके बाद लिखा घास के मैदान, फिर लिखा उसमें स्टेपी, और फिर लिखा मरुस्थल जो शुष्क वाले भाग है। तो शुष्क जलवायु की बात थी, शुष्क वन नहीं है, ये ध्यान रखना। वो वनस्पति वो शुष्क मरुस्थल है, और वन दो ही में है, एक वर्षा वन है और एक वन है। तो वन वाला जो पार्ट है जो आपके सामने 64 से 127 दो नंबर वाला आंसर है। कुछ विद्यार्थियों ने इसमें चार किया है, लेकिन ये जब आप ध्यान देंगे वर्षा वन और उसके बाद वन, तो ये वन की बात कर रहा है। देखो ध्यान से इसको, एरिड फॉरेस्ट वनों की बात कर रहा है। फिर भी यदि हो सकता है पेपर सेटर ने इसको शुष्क मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट किया हो सकता है कि ये भी आ सकता है, लेकिन संभवतः इसका आंसर ये 64 से 127 दो नंबर वाला आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म सही है, जो आपके सामने हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत लिखना चाहिए था वैसे इसको, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बन रहा है। पेपर सेटर ने यह तो लिख दिया न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तो सिक्किम में है, लेकिन अब आप देखें तो सब में दो दो हैं, आंसर क्या बनाए? ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति हो सकती है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हालांकि कम है हिमाचल में भी, लेकिन सिक्किम में इससे भी कम है। फिर क्या लिख रहा है इसमें, तमिलनाडु उच्च लिंगानुपात वाला राज्य है, ये बात भी सही है। तो बी और सी वाला आंसर बनेगा, जो एक नंबर जो अपन कहें ये एक नंबर वाला विकल्प है। महाराष्ट्र 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, गलत है जानकारी। बिहार नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत है, ये भी गलत जानकारी है। तो बी और सी के आधार पे दिए गए विकल्प में से आंसर है ये, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा था। इसमें लिखा लिस्ट अर्बन पॉपुलेशन, लिस्ट अर्बन परसेंटेज नहीं बताया इसने, इसलिए इस प्रश्न पे आक्षेप भी हो सकता है। नाग पहाड़ जो आपने खूब पढ़ा है अजमेर के अंदर है, एक नंबर। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ जो अपन कहें, जिसमें दिया 1974, ये 1974 के अंदर अधिनियम जो बना आपके सामने, जिसमें ये तय सीरीज में बहुत जगह आपको प्रश्न दिया था। फिर ये देख रखा है ज्वालामुखी शंकु और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आपके सामने सिंडर शंकु जो एक नंबर माउंट इजालको है, मिश्रित शंकु है जो तीन नंबर माउंट फ्यूजियामा जापान में है, क्षारीय लावा है जो आप देखे दो नंबर जो माउंट लोवा का है, और अम्लीय स्ट्रोम्बोली का है, तो दो नंबर आंसर है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन ने दिया है, दो नंबर वाला आंसर है। मैग्रोव प्रमुख रूप से कहां पाए जाते हैं, जिसमें कृष्णा डेल्टा आंसर है। मानचित्र पृथ्वी में भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं होता, ये कीवर्ड पे ध्यान देना। केंद्रक ध्रुवीय खमद प्रक्षेप जो अपन कहें विषुवत रेखा को नहीं दिखा सकते, तीन नंबर। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना 1785, तीन नंबर वाला आंसर है। समीपस्थ विकास क्षेत्र जो मनोविज्ञान से तीन नंबर वाइगोत्स्की है। शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं में से एक है, मुख्य रूप से संबंधित है शिक्षा की समस्या प्रक्रिया और उत्पाद से, तीन नंबर वाला आंसर। नायक पूजा किशोरावस्था के अंदर है। एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक ग्रिफिथ टेलर की है। सही सुमेलित है पीर पंजाल बनिहाल दर्रा धोलाधर सिपकीला, ये गलत सुमेलित है, तो यही आंसर है धोलाधर सिपकीला जो अपन के महान हिमालय के अंदर है। प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है, कटक प्रवाल भित्ति जो दो नंबर वाला आंसर है। डूरंड रेखा भारत के साथ जोड़ती अफगानिस्तान को। हैडन ने अपनी पुस्तक रेसेज ऑफ मैन दो नंबर वाली पुस्तक में जो केसों के आधार मानकर प्रजाति का वर्गीकरण किया है। फिर दिया इसमें वेनिस जो एंड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्व इटली में, जो तीन नंबर वाला आंसर है। संभववाद की वकालत की जो अपन के फैब्रे है, जीन ब्रुंस है, दोनों ही अपन के फ्रांसीसी हैं, और कार्ल ओस्कर सावर प्रारंभ में संभववादी थे, बाद में नव निश्चयवादी बने हैं, तो ये पहले वाला विकल्प सही है, एक नंबर।
भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है, जो टोलमी मानचित्र से संबंधित टोलमी। प्रकृति को प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है, बिना निमंत्रण आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। ये लाइन आपको एज इट इज लिखी हुई है और ये किसने कहा था? माल्थस ने कहा था। सममित असममित, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों जो अपन के वलन के प्रकार हैं। अब की बार वलन का प्रकार सीधा सीधा ही आया, नाम से ही आ गया। तीन फसलें अमन ओश बोरो सही माने में पश्चिम बंगाल के अंदर होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ विकल्प जो असम है तो आंसर तीन बनेगा, पश्चिम बंगाल असम। जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में जो दोबारा प्रकाशित किया था वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा, एक नंबर आंसर है। ये समर्थन किया कि इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा जो क्लाइमेट जलवायु का जो प्रभाव बताया सभ्यताओं पर वो हंटिंगटन ने बताया था, तीन नंबर। बिकने एटोल जो अपन के प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह के पास है, एटोल सबसे ज्यादा जो प्रशांत महासागर में ही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के अपतटीय तट के पास वाले भाग के अंदर है, दो नंबर। कून युग सुमेलित नहीं है, लोहा कोल्हान और मंदान की खान जो तांबे की है जिसमें लोहा लिखा है ये गलत है और यही आंसर है, चार नंबर। इसमें उत्तर से दक्षिण प्लेटों का क्रम पूछा है, सबसे उत्तर जैसे ज्वांडी फूका है, फिर आप देखें तो कोकोस है, फिर नजका है, फिर स्कोशिया है, तो बीसी एडी तीन नंबर वाला आंसर है। सकारात्मक पुनर्बलन एक सही है, केवल ए वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना चाहता है, एनकोडिंग दो नंबर आंसर है। ये बीच बीच में अब की बार मनोविज्ञान के प्रश्न आए हैं, वो कंटिन्यूस सीरीज में नहीं थे। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, एक नंबर वाला आंसर है। कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए गए लवण के घटते क्रम में प्रतिशत को बताता है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज में भी हर पेपर में मिला होगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एक नंबर वाला आंसर है। 2011 की जनगणना 0 से 6 आयु वर्ग में, इसको बताया भी था कि अनंतिम आंकड़ों से ये अंतिम आंकड़ों में चेंज हुआ था, सर्वाधिक बांसवाड़ा न्यूनतम झुंझुनू है। चलवासी पशु चारण की प्रमुख विशेषता है जो आपके सामने, चलवासी पशुओं के गमनागमन मौसम प्रवास है ट्रांसहुमेंस, जो अपन शीतोष्ण वाले भाग है उन क्षेत्रों में जब आप देखें तो शीतकाल में मैदानी भाग, ग्रीष्म काल में पर्वत के ढालों की तरफ चलते हैं, ट्रांसहुमेंस होता है। ए और बी सही है और ये आंसर आपका तीन नंबर है। संदूर हॉस्पेट लोएस्क जो बेल्लारी जिले के अंदर है, तीन नंबर। प्लीस्टोसिन ये पहला ही अपना क्लास होती थी और पहली क्लास से ये प्रश्न है आपके सामने जिसमें प्लीस्टोसिन उत्तरी अमेरिका में हिम युगों की बात कराए, नेब्रास्कन कंसास इलिनॉइस विस्कॉन्सिन, दो नंबर आंसर सही है। नदी समूह में किस समूह को उद्गम राजस्थान में नहीं है, गंभीरी पार्वती कालीसिंध और परवन, तीन नंबर वाला आंसर है जो अपन के मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है। पार कैनेडियन रेल मार्ग जो पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, जहां क्यूबेक है, ओटावा है, विनिपेग है और वैंकूवर है, तो पश्चिमी तट के ऊपर है, चार नंबर वाला आंसर है। पी सी एन गुप्ता जी सदासी 1968 के आर्थिक प्रादेशीकरण में कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश दोनों को रखा है उत्तरी पश्चिमी जो मैक्रो रीजन है, उत्तरी पश्चिमी वृहत प्रदेश, एक नंबर वाला आंसर है। ये आपके सामने देख रहा है इंदिरा लिफ्ट परियोजना जो आपके सामने चंबल नदी पर है, नवनेरा जो अपन के काली सिंध पर है, अजान जो गंभीर नदी पर है और इसरदा जो अपन के बनास नदी, तो तीन नंबर वाला आंसर बन रहा है। कौन सा मॉडल अमलैंड या नगरी प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है, कैरी का गुरुत्व, कन्वर्स का अलगाव बिंदु और रैली का फुटकर गुरुत्व, तीनों ही संबंधित है, तो चार नंबर वाला आंसर है। पीसीएन गुप्ता जी सदाशिव ने भारत को वृहत और मध्यम आर्थिक कितने प्रदेशों में बांटा है, 7 वृहत और 42 मध्यम में बांटा है, तीन नंबर वाला आंसर है। इसमें लिखा है प्राकृतिक आपदा और सूची से सम्मिलित बाढ़ का जो क्षेत्र है, जो आपके सामने उत्तर प्रदेश बिहार का मैदान है, सूखा है झारखंड उत्तरी उड़ीसा है, ऐसे चक्रवात का है जो आपके सामने मध्य पूर्वी मैदान पूर्वी भारत है, और जो आपके सामने भूकंप है जो हिमालय का गिरिपदीय है, एक नंबर आंसर है। खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है आशंकित, चार नंबर वाला।
इसमें देखा स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका, रुडोल्फ कैजेलिन स्वीडन के, मैकेंडर ब्रिटेन के, ओएच के स्पेट ऑस्ट्रेलिया, 1, 2, 3, 4 यानी 3 नंबर वाला आंसर सही है। समान निरूपक भिन्न पर निम्न से किस मापने पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है, जो डायगोनल स्केल जो आपके सामने विकर्ण मापनी है, 4 नंबर वाला आंसर, जिसमें अपन कहीं आपको ध्यान हो तो कहा था कि मीट्रिक प्रणाली में 100वें अंश तक भी दिखाया जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 और जो आप देखे ध्रुव के पास -45, 1 नंबर, क्योंकि ध्रुव पर ऊंचाई कम होती है। डिनारिक प्रजाति जो कोकोसाइट प्रजाति से संबंधित है, 4 नंबर सही है। वांथुनियन का कृषि स्थानीयकरण जो सिद्धांत, जिसमें कृषि पेटियों की बात की, पहली पेटी फल सब्जी शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ, दूसरा वन और जलाऊ ईंधन की लकड़ी, बिल्कुल सही है। 3 खेत, चौथी पेटी ये गलत है, और ये टिकाऊ खाद्यान्न जो छठी पेटी ये भी गलत है। तो ए और बी दो सही है, जो 3 नंबर वाला आंसर है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इस वाले प्रश्न पे भी हो सकता है आपत्ति लग सकती है। इसमें क्या है, कालीसिन, झालावाड़, बारा, ब्राह्मणी नदी, टोंक और भीलवाड़ा, जो गलत है। और ये ब्राह्मणी वो बामनी है, सही मायने में ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है, लेकिन हो सकता है इंग्लिश हिंदी के टर्म में थोड़ा डिफरेंस आ गया। मेज नदी भीलवाड़ा बूंदी सही है, कोठारी नदी उदयपुर भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा में राजसमंद से होते हुए भीलवाड़ा में जा रही है, और जो आप देखे तो इसमें उदयपुर, तो यहाँ उदयपुर है और ये अपन के ब्राह्मणी नदी, तो यहाँ आंसर संभवतः है। अभी तो 2 ही मान के चल रहे, दूसरा ही होना चाहिए ब्राह्मणी नदी वाला। द अनस्टेबल अर्थ के पुस्तक जे ये स्टीयर्स हैं, ब्रिटेन के हैं, जो कौन सा देश सामल स्थानीय पवन, सामल जो अपन के इराक के अंदर, 2 नंबर आंसर। आदर्श पहाड़ी ढाल का ढाल तत्वों का ऊपर से नीचे डायग्राम बनाया था, उत्तल ढाल, फ्री फेस ढाल, सरल रेखीय ढाल जिसको बनाया, और अवतल ढाल, तो 1 नंबर वाला आंसर है। काली या रेगुर मृदा के संबंध में सही नहीं है ये पूछा है, रेगुर मृदा में नमी धारण की क्षमता कम होती है, गलत, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो 4 नंबर वाला आंसर बनेगा। वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख सम्मिलित नहीं है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है, इंडोनेशिया मलेशिया वाला भाग नहीं है, तो 3 नंबर वाला आंसर है। भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य सबसे ज्यादा जो असम में है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा असम, जो 4 नंबर आंसर है। कौन सा 2021 में बॉक्साइट उत्पादन, बॉक्साइट उत्पादन के जो आंकड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना, ये 3 तो अपने नोट्स में लिखे हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही पहला है, तो आपका आंसर ही 3 नंबर का बनेगा। वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ, मैक्सिमम की बात कर रहा है, हालांकि पदार्थ सूचकांक का मान 1 है, तो जो अपन कहें जो रॉ मटेरियल है वो शुद्ध है, तो वो बाजार पर भी लगाया सकता है, कच्चे माल के स्रोत पर भी, अन्य केंद्र पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतम लाभ बाजार पर होगा, 2 नंबर आंसर होगा। सीएआई का एक लक्षण है, 1 नंबर, अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन, टेलीग्राफिक पठार, वेलविस कटक, डॉल्फिन कटक, विविल थॉम्सन कटक, तो डॉल्फिन जो उभार है ये दक्षिणी अटलांटिक गलत है, जबकि ये उत्तरी अटलांटिक के अंदर मध्य अटलांटिक कटक का भाग था, तो 3 नंबर आंसर है। पर्वत सुमेलित ने बिलाली पर्वत अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, ये अजमेर वाला गलत है, डोरा पर्वत जालौर में, नागपानी उदयपुर में, ये सही है, तो 2 नंबर वाला आंसर है। सीआईएस ये जो अपन के व्यापारी प्रादेशिक व्यापारिक समूह, सीआईएस में अजरबैजान, ओपेक में नाइजीरिया, साप्ताह में श्रीलंका, आसियान में मलेशिया, तो आपका 2 नंबर का आंसर बनेगा। लेखक और पुस्तक दे रखा है हम्बोल्ट, जो कॉस्मोस है, रिटर आर्डकुंडे पुस्तक है, ऐसे ही आप सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो हंटिंगटन की है, तो आपके सामने 4 नंबर वाला आंसर बनेगा। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब होने का अनुमान है, 8 बिलियन जो 2022 में, तो इसका आंसर 3 बनेगा। ये इस वर्ष के करंट को ध्यान में रखते हुए बना दिया। मृदा बनाई उसमें लेटराइट मृदा है आपके सामने जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, लवणीय मृदा जो आपके सामने कच्छ प्रदेश है, इन्हीं को यदि आप सुमेलित कर लें तो भी आपका आंसर बन जाएगा। फिर आगे देखें तो काली मृदा जो आपके सामने महाराष्ट्र है, तो 3 नंबर वाला आंसर बनेगा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी, 4 नंबर वाला आंसर। जैसलमेर स्थित अक्कल काश जीवाश्म की आयु जो जुरैसिक कल्प से संबंधित है,
जो आपको ध्यान हो तो ये 18 करोड़ वर्ष के आसपास, जो अपन कहें 24.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो समय था वो मेसोजोइक महाकाल था, जो ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस था। तो ये जुरैसिक से संबंधित, जो उस समय के काल से संबंधित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े, फाइनल आंकड़ों के आधार पर साक्षरता से संबंधित राजकीय साक्षरता दर गत 10 वर्षों में 5.69% वृद्धि हुई है, सही है। पहले वाली जो अपन के 60.4 से अब जो 66.10 है। पुरुषों में वृद्धि 8.25, महिलाओं में 3.5, ये गलत है। जालौर जिले में न्यूनतम जबकि झुंझुनू में अधिकतम कोटा में, तो ये गलत है। राज्य की कुल साक्षरता 66.1%, ये भी सही है। तो एक नंबर ए और डी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्रीय क्षेत्र अधिगम प्रक्रिया, एक नंबर। जलवायु के प्रकार, ये प्रश्न भी थोड़ा डिफरेंस है, जिसमें क्या लिखा BA-R और आर का तात्पर्य है जो अपन के वर्ष भर सामान्य वर्षा की बात करता है। थानफेट उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा नहीं है, ये कम वर्षा है, ये गलत लिखा है, जबकि ये सामान्य वर्षा लिखना चाहिए था। तो यहाँ इस आर का तात्पर्य जो अपन के वर्ष भर सामान्य वर्षा की बात लिखी थी। दूसरा उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र सभी मौसम में कम वर्षा, CAG, ये भी इससे सुमेलित नहीं है। फिर कह रहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु शीतकाल में वर्षा, BA-W का अर्थ शीतकाल में कम वर्षा है, ये कह रहा है शीतकाल में वर्षा। बिल्कुल सटीक आंसर नहीं बनाया इस वाले पेपर में, इस वाले प्रश्न के अंदर। और उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा, DA-D, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जैसे आर का मतलब कम वर्षा तो है ही नहीं, और ये भी नहीं लिखा भारत की बात कर रहा है कि विश्व की बात कर रहा है। और विश्व में जब थॉर्नवेल के जलवायु वर्गीकरण में CA-G आपको जलवायु प्रदेश कहा है, तो इस प्रश्न का भी पेपर सेटर क्या तय करता है, जबकि ए वाला भी विकल्प सही नहीं है। कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है, संप्रत उपलब्धि प्रतिमान, दो आंसर है। पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये जो आपने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट पैकेज प्रोग्राम के तहत, ये जिसमें लिखा हुआ है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से चला था ये, और ये 1961 में चला था, और ये 7 राज्यों में चला था, 7 ही जिलों में चला था। तो ये 2 नंबर वाला आंसर है। उपवन नगर, गार्डन सिटी, एवेंजर हार्वर्ड, बहुत बार आपको टेस्ट सीरीज में भी कई जगह आया होगा, एवेंजर हार्वर्ड ई लिखा हुआ है, ये ई का मतलब एवेंजर हार्वर्ड है इसका पूरा नाम, ए आंसर है, एक नंबर। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ये जो जो दिया हुआ है, जो भौगोलिक दशाएं, कौन सी फसलें हो रही है, बीएड भूमि, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 2 नंबर वाला आंसर बनेगा। 2011 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, वो 3 नंबर 30 नगर हैं राजस्थान के अंदर, तो 3 बनेगा। स्थानांतरित कृषि से संबंधित जोमिंग भारत, मिल्पा मैक्सिको, लेडांग इंडोनेशिया, वेनेजुएला में कोनू को है, जबकि तमराई लिखा है, 2 नंबर वाला आंसर बनेगा। भारतीय जनगणना 2011 अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, जो 4.91, जो 2 नंबर वाला आंसर बनेगा। ये इसमें दिया है दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले आते हैं, बिल्कुल सही है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर, गलत है। आबू पर्वत 1295 मीटर है, तो ये बी वाला गलत है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर, ये सभी अपन कहे आबू पर्वत वाले क्षेत्र से ही है, बिल्कुल सही है, ए और सी 4 नंबर वाला आंसर है। भारत में कृषि वानिकी का शीर्ष निकाय है जो कृषि मंत्रालय है, हालांकि इसमें कृषि मंत्रालय के साथ टर्म और भी जोड़ रखा है, लेकिन दिए गए विकल्प में कृषि मंत्रालय है। कौन सा राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सफार उत्पादन में अग्रणी है, अजमेर है, मकरेड़ा की जो फेमस खान अजमेर में है। 105, अच्छा, आर्द्रता मापन की निम्न में से कौन सी विधि दबाव और तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो 3 नंबर। फेल्सफार में अजमेर। कौन सा मानक विचलन की गणना, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन
केवल समांतर माध्य से, और समांतर माध्य को आदर्श माध्य भी कहा था। ये इसका विशेष गुण था कि उच्च सांख्यिकीय विधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो नंबर आंसर है समांतर माध्य। सीमेंट और उसकी इकाइयों के बारे में कहा है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, राबड़ियावास और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा बी और सी दो नंबर वाला विकल्प सही है। न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है, न अंत की कोई आशा है। ये जो जेम्स हटन ने दिया था 1785 में, एक रूपतावाद दो नंबर वाला ऑप्शन। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, एक वाला आंसर। क्ले का प्रतिशत अधिक होता है, क्ले का मतलब मृतिका, जो जोड़ने वाला अंश है, जो काली मृदा में वर्टिसोल्स में मिलता है, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। झालावाड़, कोटा, बूंदी तो है, कुछ बांसवाड़ा का पार्ट इसमें लिखा है, और इसकी दृष्टि से देखते हुए वर्टिसोल्स जो चार नंबर वाला आंसर बनेगा। प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, एचएफ रीड ने जो दिया था वो किसके भ्रसन के आधार पे, तो पहले वाला है ऑप्शन ए, ए विकल्प जो अपन के एक नंबर वाला है, भ्रंश क्रिया। कहा था ना कि एक अधिकतम जैसे रबर की सीमाएं खींचने के आधार पर उसके बाद झटका लगता है, तो तनाव बल से और फिर टूटती है चट्टाने। महासागरी धारा गर्म प्रकृति है, अगुलहास धारा दो नंबर आंसर है। पहली बार समताप रेखाएं, मैंने कहा हम्बोल्ट और रिटर का यदि प्रश्न नहीं आया तो पेपर अधूरा है, और हम्बोल्ट का प्रश्न फिर आपके सामने आ गया। विश्व का मानचित्र जो आइसोथर्म के आधार पर बनाने वाले हम्बोल्ट दो नंबर। कोहलबर्ग सिद्धांत में नैतिक विकास भाई मानकों पर आधारित न होकर आंतरिकरण पर आधारित है, पश्च रूढ़िगत स्तर पर, तीन नंबर आंसर। लोवा इस्पात के अंदर को यूएसए का जंग का कटोरा, जिसको नाम रखा था पीट्सबर्ग, स्पेसिफिक लाइन अंडरलाइन करके लिखवाया हुआ है, दो नंबर। ज्योग्राफी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का भूगोल, जो ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है, तीन दो नंबर वाला आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में छोटा डब्लू, स्मॉल डब्लू है, जिसमें शुष्क शीत ऋतु, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु में होती है वर्षा, तो एक नंबर वाला आंसर है शुष्क शीत ऋतु। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में दिए गए सही कथन कौन सा है, दो नंबर वाला। उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है। कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है, स्थिर प्रकृति, चार नंबर आंसर है। बीमा का संबंध जो अपन व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, ये सभी जो सेवा के क्षेत्र, तृतीय व्यवसाय, जो तीन नंबर आंसर है। 2000 की जनसंख्या नीति, 15 फरवरी 2000 को जो जनसंख्या नीति भारत की जारी की थी, उसमें दीर्घकालिक उद्देश्य में रखा था 2045 तक स्थायित्व लाया जाएगा। हालांकि बाद में संशोधित किया गया है इसको, लेकिन उस समय 2000 में क्या रखा गया था, 2045 रखा गया था। एक विस्तृत केटिल में, केटिल जो एक जल गर्त है, केटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाओं को हमक, तीन नंबर वाला आंसर है। पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत, मैंने कहा कि ढाल चक्कर से संबंधित जरूर कोई प्रश्न आएगा, या तो ढाल की विधियां आएंगी या कोई सिद्धांत आता है, और पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत जो एलसी किंग ने दिया, चार नंबर। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, जो अपन के रेडजेल और फ्रेडरिक रेडजेल ही अपन के मानव भूगोल के पिता है, जिनकी सबसे सटीकता की परिभाषा है। रेडजेल और सैंपल की परिभाषा में से ही प्रश्न अधिकांश आता रहा है, तो फ्रेडरिक रेडजेल इसका आंसर है, तीन नंबर। मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है दक्षिणी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में जो मृत घाटी है। दुर्बलता मंडल पृथ्वी का किस भाग है, दुर्बलता मंडल कमजोर मंडल जो ऊपरी मेंटल का भाग है, तो यहाँ केवल नाम पूछा है तो मेंटल परत दो। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व जो प्राट ने दिया था, तो तीन नंबर का आंसर है प्राट। शिक्षण अधिगम सामग्री के इस संसाधन संबंधित समूह का चयन करें, ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, एक नंबर वाला आंसर है। गाटून झील से होकर, आपको ध्यान हो तो पनामा नहर में तीन लोक से गाटून, पेड्रो, मिराफ्लोर्स, तो गाटून झील में गाटून जो लोक्स भी है, जो पनामा नहर, चार नंबर का आंसर है। भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय ई पुत्र तुआन, जिसको लिखा था मानवतावाद का टर्म भी ई पुत्र तुआन ने दिया था, एक नंबर। वायुमंडल में रुद्धोष्म परिवर्तन आंतरिक क्रिया से, जो अपन को ऊपर उठती हुई फैलती है, नीचे उतरती है संपीड़न से, तो इसमें लिखा है वायु का प्रसार और संपीड़न, ये आंतरिक क्रिया होती है, अंतर क्रिया, तीन नंबर का आंसर है।
चार वर्ग सेंटीमीटर, चार वर्ग को हिंदी में प्रश्न को सही नहीं दिया, इंग्लिश में चेक करना है इसको। इन ए गिवन फोर स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 16 स्क्वायर किलोमीटर, इंग्लिश में किलोमीटर लिखा लेकिन हिंदी में किलोमीटर नहीं लिखा, 16 वर्ग लिखा। और मैंने ये कहा था कि जहां भी हिंदी में कोई प्रश्न में कठिनाई आए तो एक बार इंग्लिश वर्जन पे जाना। इसका मतलब चार वर्ग सेंटीमीटर बराबर चार वर्ग 16 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है ये। इसका मतलब एक सेंटीमीटर बराबर चार वर्ग किलोमीटर, और एक वर्ग किलोमीटर में जो अपन कहें कितने होते हैं 1 लाख, तो कितने हो जाएंगे अपन कहें 4 लाख, एक नंबर वाला आंसर बनेगा। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा शिक्षक और शिक्षार्थियों का अंतर क्रिया से संबंधित है, सामाजिक प्रणाली, तो 2 नंबर वाला आंसर। प्रवाल भित्तियों में हिमनद नियंत्रण सिद्धांत 1915 में दिल्ली ने दिया था, 1 नंबर। पवनानुसृति को ए होम्स ने कोक सुकंभ, जो कोक्स कोम्ब जो नाम दिया था वो यार्डांग को दिया था, जो लंबत अपर्दन के द्वारा जो अपन के गहरी गहरी नालियों का निर्माण, 4 नंबर पे यार्डांग। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रम से 4 और 10 है, जिसमें आपको ध्यान हो तो ये सूत्र भी बताया था उसके अंदर, जिसमें नाम रखा था, इसमें पूछा माध्य और बहुलक है और पूछ क्या रहा है इसमें, तो माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका का सूत्र क्या था, 2x बार प्लस बहुलक बटा 3, तो 2 गुना x बार, x क्या है 4 दूनी 8, प्लस 10, 8 और 10 18 बटे 3, 3 का भाग दिया 18 में 3 6, आंसर 3 बचा। सिंपल सा प्रश्न था, इक्वेशन के अंदर डालना था केवल, 137 में 3 सुमेलित नहीं है, जो आपके सामने कोंकण तट BSIW जो गलत है, कोंकण तट पे ये नहीं है, 3 नंबर वाला आंसर। पदार्थ सूचकांक का सूत्र है कच्चे माल का भार बटे उत्पादित या तैयार माल का भार, जिसमें बताया था और ये सूत्र लिखा था, तो आंसर इसमें 2 नंबर है। और ये प्रश्न जो आपके सामने है 140 मानव भूगोल की पुस्तक की टेबल बनी हुई है, मैंने आपको ये कहा था पढ़ते समय अगर जो किताबों में कुछ अलग टेबल बना रखी है इन टेबल से जरूर पढ़ना। पिछली बार तो जो एक पलंग का नियम आया था टेबल से, अब की बार ये टेबल से जो आपके सामने प्रश्न है। अंतर युद्ध के बीच 1930 का जो दशक था, जो दोनों विश्व युद्ध के बीच का जो टाइम था वो क्षेत्रीय विभेदन से था, 1900 जिसके आपके सामने दे रखा है, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक जो कहा है, जिसमें आपके सामने जो दिया हुआ है सी, जो 2 के अंदर 2 नंबर पे दे रखा है ए स्थानिक संगठन, 1970 का दशक जो अपन के 4 है मानवतावादी आमूल व्यवहारवादी विचारधाराएं, और 90 का दशक है जो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, 1 नंबर का आंसर है। बेमेल युग्म को पहचानिए जो सही सुमेलित नहीं है, बनास मेनाल है, लूनी सागी है, साबरमती वाकल है, तो पार्वती मोरेन सही नहीं है, तो 2 नंबर वाला आंसर पार्वती मोरेन। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में है, जो बीकानेर जिले में है, 1 नंबर। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक श्रम लागत बटे उत्पादित वस्तु का कुल भार, तो 2 नंबर वाला आंसर है। कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है अधिक सामाजिक प्रोत्साहन, 2 नंबर का आंसर बनेगा। कौन सा एक भूतुल्यकालिक उपग्रह, 2 टेबल बनाई थी उसमें जो आपका ध्यान होते, जिसमें लिख रखा है IRS जो भारत का उपग्रह है, जो आपके सामने लैंडसैट है जो अपन कहें अमेरिका का है, स्पोर्ट है जो फ्रांस का है, और ये अपन कहें जो इनसेट है ये कैसा है, अपन कहें भूतुल्यकालिक है, बाकी ये सूर्यतुल्यकालिक है, तो आंसर 2 है इनसेट। चंद्रमा की कौन सी प्रावस्थाओं पे लघु ज्वार आता है, नीप टाइड, और इसको बताया था कब आता है, सप्तमी अष्टमी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रथम व तृतीय जिसको लिखा है प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, इसमें विकल्प, तो यानी सी और डी, तो 3 नंबर वाला आंसर है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, हालांकि अब की बार ज्वार भाटा का एक ही प्रश्न आया है, समय से संदर्भित नहीं आया, लेकिन अच्छा प्रश्न आया है। डग गंग धार सीधा लाइन ही लिखवा रखी थी, जो अपने दक्षिण पूर्वी जो हाड़ोती का पठार का भाग है, 3 नंबर वाला आंसर। कौन सा गलत युगम है जिसमें अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, थार्नडाइक, ये 2 नंबर वाला गलत है। मेंटल मैप पीटर गोल्ड रॉडनी व्हाइट के द्वारा, 3 नंबर वाला आंसर है। कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, शुद्ध दिशा जिसमें बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है,
जो बेलनाकार जो सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, जिसमें आपको ध्यान हो तो सम क्षेत्रफल जो प्रक्षेप होता है, जो आप देखें तो विषुवत रेखीय भागों के जो वितरण मानचित्र बनाने में उपयोग किया जाता है, तो एक नंबर वाला आंसर। इस तरीके से 150% जो आने में जरूर देरी हुई, उसका कारण था कि मैं चाह रहा था कि मनोविज्ञान वाले प्रश्नों को भी आप सोल्व कर पाए और उसके माध्यम से आपको पता चल पाए। और फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें दो तीन प्रश्न ऐसे, एक तो थानपेट का जलवायु प्रदेश से संबंधित एक ऐसा प्रश्न है, और एक प्रश्न और भी इसमें दिया हुआ था, एक इंदिरा गांधी नहर का जो कन्फर्म न्यूज जानकारी नहीं है उसके बारे में भी था, और किसी का एक जो अपन के प्लेन टेबल के रिसेक्शन से संबंधित जो बातें थी उससे भी कोई बात थी इसमें। सिंचाई विभाग के आंकड़ों में जब आप देखेंगे, ये जो सात नंबर वाला प्रश्न था आपके सामने जिसमें दे रखा था, संभावित रूप में आप इसको ध्यान रखें, वैसे कंफर्म मैं नहीं कह सकता, फिर भी जो सिंचाई विभाग के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर जब आप देखेंगे इस वाले पार्ट में, इंदिरा गांधी नहर जिसको बताया है, राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहर की कुल लंबाई जुलाई 2022, बिल्कुल करंट बेस्ड जो प्रश्न था, जिसमें 1495.45 किलोमीटर, जो दो नंबर वाला आंसर संभावित है, इसमें दो नंबर वाला आंसर हो सकता है। वाला दो नंबर वाला आंसर हो सकता है। तो दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनमें कोई चीज कोई अपन के आंसर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अब मैं आपको एक दो जानकारी और बता दूं स्पष्ट रूप में। अभी आप बड़ी उत्सुकता होगी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कोई भी भाई बहन इसके लिए कोई मैसेज नहीं करे कितनी कट ऑफ रहेगी, किसी प्रश्न को लेकर जो अपन ने आंसर की में बताया है आंसर, उसको लेकर आपके मस्तिष्क में आपने कोई और किया हो और उसको लेकर आपके कौतूहल हो, तो जो हमने जो नंबर दे रखे हैं हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है टेक्निकल टीम के हैं, ऐप पे जुड़े हुए विद्यार्थी ऐप वाले पार्ट के ऊपर भी, और मेरे को भी व्हाट्सएप नंबर पे 9929587039 के ऊपर व्हाट्सएप पे डाल दें, मैं उसको चेक भी कर लूंगा यदि कहीं आपको ऐसा संशय है तो। बल्कि इसको पूरी पारदर्शिता और अच्छे ढंग से, फिर भी मैं कहता हूँ एक दो प्रश्नों को लेकर जरूर है, और एक दो प्रश्न मैं दो दिन बाद ही आपके बीच में दोबारा लाइव आऊंगा। कब आऊंगा? जितने भी भाई बहन हैं वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर, और जहाँ ऐप में जुड़े हुए हैं तो ऐप के चैट बॉक्स में लिखें, और जो हमसे बिना एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं कोर्स के अलावा जुड़े हुए हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें, और दोनों के अंदर मेरे इतने अंक बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को काट कर ये ध्यान रखें, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अलग अलग लिखें, पता चले कितना आ रहा है, उससे एक अनुमान लगेगा फर्स्ट पेपर का एवरेज क्या है सेकंड पेपर का एवरेज क्या है। हालांकि जैसा मेरे जो विद्वानों से बात हुई है उन्होंने बताया कि अपने भूगोल के अंदर जो मनोविज्ञान का जो पार्ट था वो सामान्य औसत रूप से कुछ सरल रूप में रहा है, लेकिन जो ज्योग्राफी के प्रश्न है तो जो नाम जैसे मानव विकास रिपोर्ट तो पढ़ी है लेकिन 10, इसलिए प्रश्न गहराई में है, इसलिए कुछ आपके सामने 10 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी पहुंच से बिल्कुल सीधे सीधे दूर थे। तो आप अभी चिंता नहीं करें, आप सूचना दें कितने आपके अंक बन रहे हैं, नेगेटिव एक तिहाई अंक काटकर तब आप अंक बताएं, और मैं दो दिन बाद आपके पास वापस नोटिफिकेशन आएगा, आपके बीच में मैं दोबारा लेके आऊंगा और उस समय आपके बीच में कट ऑफ की चर्चा करूंगा, और कोई प्रश्न भी आपको संशय है तो उस प्रश्न पे भी आपके बीच में चर्चा करूंगा, और किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रखें कोई भी संदर्भित। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो जैसा विश्वास था वैसा ही, और मैंने कहा कि जो क्लास नोट्स हमारी जो पुस्तक थी जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे, ये क्लास नोट्स की बुक थी, इसमें जब आप देखेंगे सीधे सीधे तौर से प्रश्नों के अलावा इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए प्रश्न लगभग आप भूगोल भूगोल में देखेंगे तो 90% के आसपास आपको प्रश्न इसमें से मिलेंगे। बहुत से प्रश्न तो लाइन टू लाइन ही फिक्स ही हैं, जिसमें कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि सारे प्रश्न
जो पूरे नोट्स में से विद्यार्थी नहीं कर पाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि उसने एक अच्छा गुड मटेरियल पढ़ा है तो निश्चित रूप से वो अच्छे प्रश्न करने की स्थिति में रहेगा। मैंने अंतिम समय में भी ये कहा था, कक्षा 11 12 की किताबें पढ़ लेना और क्लास नोट्स पढ़ लेना, लेकिन मैं ये अंत में ही कहता हूं, पहले ये नहीं कहता हूं, और इसीलिए आपने इसको चेक कर लेना, देख लेना, और अगली बार आऊंगा तो मैं आपके पेज सहित इसकी जानकारी आपके बीच में आएगी, और जो भी भाई बहन है वो इसमें देखा होगा निश्चित रूप से, और मेरा ऐसा विश्वास है आपका सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, और जैसा भी, क्योंकि अब आपका परीक्षा परिणाम लोक हो चुका है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तनाव नहीं लें अब कितने हो रहे हैं, और कोई भी कट ऑफ के लिए मैसेज नहीं करेगा। अभी मैं वापिस लाइव आके बताऊंगा, आपका काम है हमारे मोबाइल नंबर पे आप सूचना दें कितने आपके टोटल अंक हैं, जिससे हमें एक ऑल ओवर राजस्थान का आकलन हो पाए कितने विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, और साथ में जब आप लिखें तो उसमें दो तीन बातें लिखना है आपको, ध्यान रखना है इससे संबंधित जो जानकारी में देखिए, इसमें आपको 99 दिख रहा है नंबर या दूसरे व्हाइट सिकर, ठीक, डबल 9 2 9 5 8 7 0 3 9 ये मोबाइल नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप करेंगे इसके ऊपर क्या फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर और कुल अंक, एक तो ये लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी भी लिखेंगे, कौन सा वर्ग है, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है उसमें, ठीक है, ये जानकारी आपको देनी है 9 9 2 9 5 8 7 0 3 9। और यदि आप हमें ऑनलाइन जो आप कोर्स में जुड़े हुए हैं, हमारे ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर जो हमारा कोर्स जो ऐप है एप्लीकेशन है उस पर जुड़े हुए हैं, तो उसी पे आप डाल देंगे, हमारे पास सूचना आ जाएगी और हमारी टेक्निकल टीम भी उसको देख पाएगी। जो भाई बहन जो कोर्स से जुड़े हुए हैं तो वो तो कोर्स में जो ज्योग्राफी क्लासेज जयपुर का ऐप का चैट बॉक्स है उस चैट में लिखें, जिससे कि एक आकलन हो जाए, और जो ऐप से जुड़े हुए नहीं है और केवल यूट्यूब के माध्यम से जानकारी जिनको मिली है, तो वो अपने को इस नंबर के ऊपर फर्स्ट पेपर में कितने, सेकंड पेपर में कितने, टोटल अंक और कैटेगरी, और दो दिन बाद ही आपके बीच में हो सकता है कल में ही शाम तक आ जाए, यदि आप जितना जल्दी सूचनाएं आएंगी पूरे राजस्थान की, तो एक आकलन और बाहर से भी जो अपन की पूरी जानकारी लेकर एक अनुमानित रूप में अपन कट ऑफ की बात करेंगे कितना क्या हो सकता है। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी मेरा मानना है आप सभी सफल होंगे, जिन्होंने मेहनत की है ताकत से ऊर्जा से कार्य किया वो सभी सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।